जय सियाराम। सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको विष्णु पुराण में तामसिक प्रवृत्ति के सर्ग स्वायंभु मनु सतरूपा तथा उनकी संतान का विवरण के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सनातन रहस्य को सब्सक्राइब करके उस लाल वाले बटन को दबा दीजिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तामसिक प्रवृत्ति के सर्ग स्वायंभु मनु सतरूपा तथा उनकी संतान का विवरण। श्री पराशर जी कहने लगे, फिर उन प्रजापति श्री ब्रह्मा जी के चिंतन करने पर उनके शरीर स्वरूप भूतों द्वारा उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों सहित मानस प्रजा की उत्पत्ति हुई। उस समय श्री ब्रह्मा जी के शरीर से चेतन जीवों की उत्पत्ति हुई। मैंने पहले वृतांत बताया है कि देवताओं से लेकर चराचर तक वे सभी इसी तरह उत्पन्न हुए। जब प्रजापति श्री ब्रह्मा जी की प्रजा पुत्र पौत्रादि क्रम द्वारा और नहीं बढ़ पाई तो उन्होंने अपने ही समान अन्य मानस पुत्रों भृगु पुलस्त्य पुलह क्रतु अंगिरा दक्ष मरीचि वशिष्ठ तथा अत्रि आदि की रचना की। ये 9 व्यक्ति पुराणों में ब्रह्मा माने जाते हैं। फिर प्रजापति ने 9 कन्याओं की उत्पत्ति की, जिनके नाम ख्याति भूति संभूति क्षमा प्रीति ऊर्जा सन्नति प्रसूति तथा अनसुया हैं। उपयुक्त 9 कन्याओं को प्रजापति श्री ब्रह्मा जी ने उपयुक्त 9 महात्माओं को सौंप दिया। तुम इनकी पत्नी हो, यह कहकर श्री ब्रह्मा जी ने 9 कन्याएं इन 9 महात्माओं को प्रदान कर दी। पहले जिन 100 नंद नादि की श्री ब्रह्मा जी ने रचना की थी, वे संतान और संसार आदि में नहीं लग पाए। उन्हें संसार रचना से उदासीन जानकर श्री ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला क्रोध उत्पन्न हो गया। संपूर्ण त्रिलोक ज्वाला से जल उठा। उनके क्रोध युक्त टेढ़ी भ्रिकुटी एवं क्रोध पूर्ण ललाट से सूरज के समान प्रकाशमय रुद्र उत्पन्न हुआ। उसका प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। अपने शरीर को विभक्त कर दे कहकर श्री ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। उस रुद्र ने श्री ब्रह्मा जी के कथनानुसार अपने शरीर को स्त्री तथा पुरुष दोनों में बांट दिया। उसने पुरुष भाग को फिर 11 भागों में बांट दिया और स्त्री भाग को भी सौम्य क्रूर श्याम गौर शांत और शांत आदि अनेक रूपों में वितरित कर दिया। हे विप्रश्रेष्ठ, स्वयं से उत्पन्न होने वाले स्वरूप स्वायंभु को श्री ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बना दिया। उस स्वायंभु मनु ने अपने साथ हुई सतरूपा नाम की स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसके साथ रहने लगे। हे द्विज, उस समय मनु से सतरूपा स्त्री से प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नाम के 2 सुपुत्र और उदार रूप तथा गुण युक्त प्रसूति तथा आकुति नामक 2 कन्याएं हुई। उसने अपनी पुत्री प्रसूति को दक्ष के साथ और आकुति को रुचि प्रजापति के साथ ब्याह कर दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति के यहाँ आकुति कन्या के गर्भ से यज्ञ तथा दक्षिणा नाम की जुड़वा संतान पैदा हुई। यज्ञ के दक्षिणा के गर्भ से 12 बेटे हुए, जो स्वायंभु मन्वंतर में याम नामक देवता कहलाए और दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं पैदा की। मैं तुमको उनके शुभ नाम सुनाता हूँ। श्रद्धा लक्ष्मी धृति तुष्टि मेघा पुष्टि प्रिया बुद्धि लज्जा वपु शांति सिद्धि तथा कीर्ति। उपयुक्त कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में स्वीकार किया, जिससे शेष 11 कन्याएं उत्पन्न हुई। ख्याति सती संभूति स्मृति प्रीति क्षमा संतति अनसुया ऊर्जा स्वाहा तथा स्वधा। इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु शिव मरीचि अंगिरा पुलस्त्य
क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ मुनियों और अग्नि तथा पितरों ने स्वीकार कर लिया। धर्म के द्वारा श्रद्धा के गर्भ से काम, लक्ष्मी के गर्भ से दर्प, धृति के गर्भ से नियम, तुष्टि के गर्भ से लोभ को पैदा किया। इस प्रकार यह कार्य श्री ब्रह्मा जी ने बढ़ा दिया। मेघा के गर्भ से श्रुत, क्रिया के गर्भ से दंड, नय तथा विनय, बुद्धि के गर्भ से बोध, लज्जा के गर्भ से विनय, वपु के गर्भ से व्यवसाय, शांति के गर्भ से क्षेम, सिद्धि से सूरत और कीर्ति के गर्भ से यश नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। रात्रि ने काम से धर्म के पुत्र हर्ष को पैदा किया। हिंसा अधर्म की पत्नी थी, उनके गर्भ से दो संतानें उत्पन्न हुई, एक जिसका नाम अनृत था और दूसरी पुत्री जिसका नाम था निकृति। उन दोनों से भय और नरक नामक पुत्र उत्पन्न हुए, जिनकी पत्नियां माया तथा वेदना नामक कन्याएं बनी। माया ने सब प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया। वेदना के गर्भ से रौरव द्वारा दुख का जन्म हुआ और मृत्यु ने व्याधि, जड़ा, शोक, तृष्णा तथा क्रोध को जन्म दिया। ये सब अधर्म रूप हैं तथा दुखोत्तर नाम से विख्यात हैं। इनकी ना कोई पत्नी है ना कोई संतान, ये सब ऊर्ध्व रेता हैं। हे मुनि पुत्र, ये विष्णु भगवान के अत्यंत भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण बनते हैं। हे महाभाग, इस संसार के नित्य सर्ग के कारण दक्ष, मरीचि तथा भृगु आदि प्रजापति गण हैं और मनु तथा मनु के पराक्रमशाली सन्मार्गगामी तथा सूरवीर राजागण इस जगत की नित्य स्थिति के कारण बने हुए हैं। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग तथा नित्य प्रलय का ज्ञान दिया है, सो दया करके मुझे इसका विस्तृत स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, सर्वव्यापी भगवान लगातार मनो आदि स्वरूपों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। विप्र, सब भूतों के प्रलय चार तरह के हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, अत्यंतिक तथा नित्य। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्म प्रलय है, जिसमें संसारपति श्री ब्रह्मा जी कल्प के अंत में शयन किया करते हैं, और प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में घुल मिल जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना ही आत्यंतिक प्रलय कहलाता है। दिन रात जो भूतों का नाश होता रहता है, वही नित्य प्रलय कहलाता है। प्रकृति से महत्ववादी क्रम द्वारा जो सृष्टि रचना हुआ करती है, उसको प्राकृतिक सृष्टि कहते हैं, और अवांतर प्रलय के अनंतर जो श्री ब्रह्मा के द्वारा चराचर विश्व की उत्पत्ति हुआ करती है, उसको दयनंदिनी सृष्टि कहते हैं। तथा हे मुनीश्वर, जिसमें हर रोज प्राणियों की उत्पत्ति हुआ करती है, उसको नित्य सृष्टि कहते हैं। इस तरह संपूर्ण शरीर में स्थित श्री विष्णु भगवान संसार की उत्पत्ति, पालन और उसका प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति तथा संहार प्रद इन वैष्णवी शक्तियों का संपूर्ण शरीर में लगातार फैलाव लिए हुआ करता है। उपयुक्त तीनों शक्तियां त्रिगुण युक्त हैं, इसलिए जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लेता है, वह जन्म मरणादि के जंगल से छूट जाता है। इस प्रकार उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।